नमस्कार, सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति पर आधारित है। दर्शकों, आप सभी लोग मुझसे सहमत होंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है और शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त होता है। आज का जो हमारा विषय है कुछ शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जहां पर हम अपने दो अतिथियों के साथ ये देखने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से शिक्षा में चुनौतियां हैं, किस प्रकार से शिक्षक अपने उस शिक्षण कार्य को बहुत अधिक बेहतर बना सकता है और किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आदि का प्रयोग वो कर सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन के साथ आप लोग जुड़े, हमें बेहद खुशी हो रही है। चलिए मैं अपने दो अतिथियों से आप लोगों का परिचय करवाने जाता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा जी, जो भारत से आए हुए हैं, आपका स्वागत है सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और श्री संजय रॉय जी, आप भी भारत से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपका स्वागत है। अपने अतिथियों के बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूं और बाकी जानकारियां खुद ब खुद हम लोग देखेंगे और पहचानेंगे इनके ज़रिए। तो डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा जी, आपने अपने PhD, MPhil, PhD आदि एजुकेशनल मैनेजमेंट में किया और ख़ासियत आपके चरित्र के इस बात से है कि आप यू आर प्रोफेशनल ट्रेनर, आप वर्कशॉप चलाते हैं और देश विदेश में हर जगह आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और जो खास बात हमारे दर्शकों के लिए कि यू हैव बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट अवार्ड इन एजुकेशन, राष्ट्रपति सम्मान आपको मिला है और आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। आपकी 40 पुस्तकें हैं शिक्षण के क्षेत्र में। तो सबसे मेरा पहला सबसे पहला सवाल ये है कि इतना सारा कुछ आप कैसे कर लेते हैं, अपने अनुभवों के बारे में बताइए जी। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक एक ऐसा पुरुष होता है जो कि अगर ना सीखे तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, रिकग्निशन नहीं देता। तो एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए मैंने लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखा और ये निर्णय लिया कि हमें कुछ करना है। तो मैंने जब से शुरू किया पढ़ाना, करीब 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और 2005 में हमारी कुछ उपलब्धियां ऐसी रहीं कि हमें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। मेरी जो चाह थी वो ये थी कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हमें करना है और आज भी जो हमने सेशन लिया, आपके मॉरिशस के करीब 70-80 टीचर्स थे। नेक्स्ट एजुकेशन एक संस्था है जिसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं और ये शिक्षा की से क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि एजुकेशन लाइन में हम डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जहाँ तक भूमिका है वो ये है कि क्लासरूम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, रुचि कैसे पैदा की जाए बच्चों में, जिससे कि वो क्लास में ध्यान दें और जो लर्निंग हो रही है, जो वो सीख रहे हैं, उसको वो प्रायोरिटी से लें। क्योंकि आज टीचर पढ़ाता है तो बच्चे आँख खोल के सोते हैं जी, दे स्लीप विद देयर आइज ओपन। यही विडंबना है हमारे लिए कि हम क्यों नहीं बच्चों को इंटरेस्टिंग या एब्जॉर्बिंग बना सकें। वो कहते हैं साहब, हमने तो इंटरनेट पे पढ़ लिया सब कुछ, अब आप क्या पढ़ाएंगी, आप तो ये तो बुक में है, आप कुछ नया बताइए। तो टीचर्स के पास और शिक्षकों के पास आज एक चुनौती है और ये बहुत बड़ा चुनौती भरा विषय है कि हम अपने क्लास को रुचि पूर्वक कैसे बनाएं जी, कि बच्चों में रुचि पैदा हो पढ़ने की और उसी सब को लेके हमारी ये एक लालसा और इच्छा रहती है कि हम टीचरों को नई से नई तकनीक समझाएं और ऐसा कुछ करें। एक मेरी पुस्तक आई है अभी, NLP फॉर टीचर्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि एक एक्सेलेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और ये
बताती है कि कैसे हम अपने बच्चों को रैपो डेवलपमेंट करें, उनसे कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा एक्सेलेंस एक हैबिट बनाएं और अपने बच्चे को हम समझें और वो हमें समझें और उसके बाद हम जो सीख है क्लास की उसको एक हैबिट बनाएं, ना कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमने उनसे पढ़ा था ये सीखा। अच्छा। आज का बच्चा स्मार्ट है, सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, मेटिकुलस है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन टीचर्स को भी स्मार्ट होना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है। जो चाह बच्चों में है कि हमारा टीचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करे, बहुत अच्छा, वो बताए कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ ए फॉर एंड्रॉयड भी होता है, बी फॉर ब्लैकबेरी भी होता है और सी फॉर क्लाउड भी होता है जी। और ये बच्चे तभी उत्सुकता से ध्यान देंगे जब उन्हें क्वालिटी और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलेगा। बहुत अच्छा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की बात। संजय जी, आप थोड़ा सा अपने अनुभव बताएं इस क्षेत्र में, किस तरह से आप जुड़े और किस तरह से काम हो रहा है। मैं तो अपने 20 साल से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। मेरा पहला जॉब था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, जिधर में मैं ऑल इंडिया का मार्केटिंग हेड था। अच्छा। उसका बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में भी था, करीब 10 साल काम किया उधर में। अभी मैं जो डॉक्टर मेहरोत्रा में दोनों एक ही साथ जुड़ा हूँ नेक्स्ट एजुकेशन से। अच्छा। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एजुकेशन कंपनी है इन द डिजिटल स्पेस। अच्छा। तो मेरा अनुभव यही है जो मैं देख रहा हूँ, ये इंडस्ट्री जो एजुकेशन सेक्टर जो है ये बहुत चेंज हो रहा है। जो मैं जब आया थे 20 साल पहले जो देखा था और अभी जो है इसमें बिस्तर फर्क है। जो जब आए थे कब डिजिटल का कभी सुना नहीं था, अब खाली किताब 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 किताब, उसका बाद सुना सीडी, उसके बाद डीवीडी, अभी तो डिजिटल क्लासरूम आ गया है। सो आप सोच सकते हैं आगे जाके ये और चेंज होगा। अच्छा। एंड हमारा प्रॉब्लम यही है जे बीइंग, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया, जे बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा पास जो टेक्नोलॉजी आता है वो थोड़ा लेट होके आते हैं, तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम डिफरेंस हो जाता है टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। सपोजिंगली ऑफकोर्स। तो हमारा जो कंपनी है नेक्स्ट एजुकेशन, ये हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है R&D में। उसको कॉन्टेम्पोररी भी रखना है, एक प्रोडक्ट बना दिया बस हो गया। अच्छा। उसको तो कॉन्टेम्पोररी भी रखना है। सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन R&D। एंड जैसे मैं बोल रहा था जे ये जो अभी एजुकेशन सेक्टर है, डॉक्टर मेहरोत्रा जो बोल रहे थे जो टीचर को अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स द न्यू स्टूडेंट्स विच आर कमिंग अप हैव मच मोर बेटर IQ देन व्हाट वी हैड। सो एज अ कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट एजुकेशन वी ट्राई टू गिव दोज इनपुट्स, जो टीचर को वो इनपुट दो, सो टीचर आर देमसेल्फ स्मार्ट टू फेस दिस स्मार्ट स्टूडेंट्स। डॉक्टर मेहरोत्रा, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें आज के जो एजुकेशनल सेटअप में, आपको कहाँ तक लगता है कि ये ज़रूरी है? ई लर्निंग और एजुकेशनल ऐप्स और जितने सारे टेक्नोलॉजिकल स्पेस आप ले लीजिए, मूडल से लेकर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, अब सारा कुछ आप ले लीजिए, किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, बच्चा तो आज 24/7 24 घंटा पढ़ाई करता है और जैसे भी पढ़ाई करता है वो WWW को टीचर बनाए हुए है, महागुरु बना दिया है उसने। और WWW का एक मतलब और है, व्हाटएवर व्हेनएवर वेयरएवर। क्या बात है। और इसी को देखते हुए आज बच्चा आज़ाद है, उसके लिए कमरे की चार दीवारी इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ लर्निंग। ये तो हमें थैंक्स करना चाहिए टेक्नोलॉजी गुरुज और टेक गुरुज को, जो कि आज उस टेक्नोलॉजी को बच्चों के पास ले आए हैं। चिल्ड्रन आर बिकमिंग स्मार्ट डे बाय डे, और टीचर्स अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे या उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो चिल्ड्रन विल लीव देम बिहाइंड। इफ़ टीचर्स डोंट अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, बच्चा लोग विल लीव देम बिहाइंड, वो पीछे रह जाएंगे।
और आज ये होता है, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन और टीचर जब जवाब दे पाते हैं तो बच्चे कहते हैं मैम यू ऑल्सो नो इट, दे आर सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज एलिमेंट एक मौकरी बन के रह जाता है कभी कभी, जबकि टीचर को नहीं जवाब देना पाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने अभी बताया था सेशन में, आइसक्रीम सैंडविच नाम का एक मिठाई होता है। अच्छा, आइसक्रीम सैंडविच नाम का एक डेजर्ट होता है विच इज जनरली टेकन आफ्टर डिनर। एट द सेम टाइम आइसक्रीम सैंडविच नाम का एक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो बच्चा लोग इज मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यू टेक वर्ड्स, फॉर देम टेक्नोलॉजी इज अ कैंडी, टेक कैंडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और आज अगर हम बात करते हैं बच्चों से कि बेटा आपके कितने यूट्यूब पे वीडियोज अपलोडेड हैं, तो दे आर एक्साइटेड टू शेयर। हमारा 4 बर्थडे पार्टी का वीडियो है, 2 सॉन्ग्स हैं और 3 मैंने कविता बनाई थी। अच्छा, वो मैंने अपलोड किया है। टीचर से पूछे तो कहते हैं हाँ मैंने एक डाउनलोड किया था, किसी ने लिंक भेजा था। तो टीचर्स को एक प्रायोरिटी है कि वो अपना ORM सुधारें। ORM का मतलब है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। okay. एक ब्रेक लेंगे अभी। yes. फिलहाल तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, सृजन के साथ जुड़े रहें, फिर से मिलेंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग सृजन से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे 2 अतिथिगण जुड़े हुए हैं, 2 एक्सपर्ट इन एजुकेशन, डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा और श्री संजय रॉय जी। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक शिक्षक को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, और मेरा सवाल आपसे ये है और आप दोनों से है, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से क्वालिटी अपने आप आ जाती है शिक्षण में? देखिए, मैं तो जहाँ तक सहमत हूँ, शिक्षण और शिक्षित व्यक्ति अगर वो अपने आप को अपडेटेड मानता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज। आज स्कूल की लाइब्रेरी लिमिटेशन नहीं है हमारे लिए कि वो लाइब्रेरी जाएंगे तभी हमें नॉलेज मिलेगा। बच्चा इंटरनेट पे और टीचर के द्वारा बताए हुए लिंक्स के द्वारा वो सपोर्ट और फैसिलिटेटर टीचर बनके उनको एक सपोर्ट देता है जी। टीचर का रोल चेंज हो गया है। आज टीचर वो ऋषि मुनि नहीं रहे जिनका पैर छुओ और आशीर्वाद दो बच्चा पास हो जाएगा। आज हमारा जो शिक्षक है वो एक गाइड की तरह है, गाइड ऑन द फ्लोर जी, जो कि सपोर्ट कर रहा है। लेकिन लर्निंग तो बच्चे को अपने आप से करनी है। ठीक है, ये बात सही है कि रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचर वो भूमिका बना सकता है क्लास में कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। अदरवाइज आज जब हम बात करते हैं, हमने एक शब्द यूज किया था ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का छोटा सा मतलब है कि बच्चा जब आपको गूगल करता है तो वो आपका सिग्नेचर जान जाता है, जो उसका कोई भी सर्च इंजन पे जाके वो आपका नाम टाइप करता है फाइलिंग, तो उससे उसको पता चलता है कि हमारे टीचर का सिर्फ एक फेसबुक प्रोफाइल है जो कि डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब वो अपने आप को गूगल करता है तो सर्च रिजल्ट्स आर मोर, बहुत सारे रिजल्ट्स इन कंपेयर टू द टीचर। और वो टीचर की रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन तभी करेगा जब उसको 4 यूट्यूब लिंक मिलेगा टीचर का, 2 ब्लॉग मिलेगा, 3 लेटर्स टू द एडिटर कॉलम का कुछ होगा, 1 उसका आर्टिकल जो छपा होगा ऑनलाइन। दिस इज हाउ द टीचर्स रिकॉग्निशन इज गवर्न्ड एंड इनकैप्सुलेटेड। वो बच्चे को अच्छा लगेगा क्लास में बैठ के कि मेरे टीचर का ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वेबसाइट कितना एक्टिव है टीचर। हां, इसलिए मैं बोल सकता हूं आई एग्री विद डॉक्टर मेहरोत्रा, बट मेरा जो सोच है जे टेक्नोलॉजी हैज स्टिल नॉट रिप्लेस द टीचर डेफिनेटली। एंड हम लोग जो देख रहा हो K-12 एक हायर एजुकेशन में टीचर का एक रोल होता है और K-12 में टीचर का एक रोल होता है, रोल्स आर डिफरेंट। सो टेक्नोलॉजी हैज स्टिल नॉट बीन, वी आर नॉट बीन एबल टू कम आउट विद दैट टेक्नोलॉजी, वो अभी तक नहीं आया है जो टीचर को रिप्लेस कर देगा। सो टीचर का जो रोल है वो बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So, I think we are still going through the technological change. But teacher is playing a very important role. जैसे डॉक्टर मेहरोत्रा बोला जे
ये जो गाइडेंस एक बच्चे को एक क्लास पांच साल का जो एक बॉय और गर्ल है जो स्टूडेंट है उसको तो गाइड करना पड़ेगा ना. अल्टीमेटली उसका आईक्यू लेवल बढ़ गया है, बट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है. मटेरियल्स आर अवेलेबल, यू हैव गॉट एक्सेस टू ऑल द मटेरियल्स, बट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये तो टीचर ही गाइड कर सकता है. ये फर्क दिखाना है. आजकल चूंकि आप मॉरिशस में हैं और काफ़ी टीचर्स के साथ आप लोगों ने वर्कशॉप्स भी चलाए हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और उस पर खासकर हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर, संप्रेषण के जो कौशल है उस पर ज़्यादा बल दे रहे हैं. इस पर आप लोगों को क्या कहना है एंड हाउ हाउ डू यू रिलेट दैट विद क्वालिटी और टीचिंग? और देखिए कम्युनिकेशन जो वार्ता है जो कनेक्ट है ये एक वन ऑफ द अननोन सेंसेस है हमारी. हम कम्युनिकेट करते हैं और दूसरे बंदे को कैसा फील होता है, दैट इज आर विन विन अप्रोच. हम वो शब्दावली का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को अच्छा लगे तो वो दोबारा लौट के आएगा आपके पास. टीचर्स को भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए. एक्सेलेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो NLP हमने आपको बताया कि ऐसा रैपो क्रिएट करें क्लासरूम सिनेरियो में कि हमारे बच्चे उत्सुकता से सुने टीचरों को और आपस में भी कम्युनिकेशन ऐसा हो कि जिससे एक रिलेशनशिप डेवलप हो. वी आर टुगेदर, अ टीम कैन गो थ्रू, विन विन अप्रोच, जो जीत की भावना हमारे में आए, सेल्फ बिलीफ डेवलप हो. तो कम्युनिकेशन एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है या हिंदी भाषा का प्रयोग करना है. कम्युनिकेशन का मतलब है हमें जो भी कहना है कॉन्फिडेंस से कहना है और ये जो पहुंचे और एक रिएक्शन भी मिले. हाँ, रिएक्शन भी मिले और साथ साथ ऐसा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है बच्चों को और अमंग द टीचर्स. कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को अगर वॉशरूम भी जाना है क्लास में तो वो बच्चे हाथ नहीं उठाते क्योंकि दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद द टीचर. अच्छा, क्वेश्चन आता है तब भी हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि वो इमोशनली दे आर नॉट सेफ इन द क्लासरूम. अच्छा, सो ये कनेक्टिविटी तभी होती है जब कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव हो. इफेक्टिव आप देखिए बताइए, ये दुनिया जो है ना ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ नॉलेज इकोनॉमी. आज जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नॉलेज इकोनॉमी की तरफ तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जब था अभी भी है वर्ल्ड में थोड़ा सा तो उसमें कम्युनिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस मे बी नॉट देयर. बट जब हम लोग नॉलेज इकोनॉमी में चले जाएंगे कम्युनिकेशन विल बी द ओनली थिंग विच विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. सो माय सेंस इज दैट दैट कम्युनिकेशन हैज टू इंप्रूव. It has given positive results to every country who has stressed on this. Aaj India mein aap dekhenge the service industry jo hai is gone miles ahead. China jaisa it is totally an industrial economy, but India thoda strategy change kiya tha. So we are doing very good in service industry, and service industry without communication is definitely no industry. True. Communication jahan par na ho confusion wahan par. मैं आप लोगों से मेरा अगला सवाल ये है कि व्हेन वी टॉक जब हम नए एजुकेशनल सेटअप की बात करते हैं वी टॉक अबाउट 21st century कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं कि हम क्या डेवलप करें अपने छात्रों में डिसीजन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स. और ये इस पर आप लोग किस तरह से हमारे शिक्षकों स्थानीय शिक्षकों को क्या बताना चाहेंगे, हाउ टू इम्प्रूव दैट, कैसे इसको आगे. देखिए एक धारणा रहती है कि हम क्लास में जाएंगे या हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो आई एम द बेस्ट. अच्छा, ये फीलिंग जो टीचरों में है ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए. इल्यूजन टाइप का इल्यूजन है, एक दिमाग में बसा हुआ है कि अरे मैं तो सीनियर टीचर हूँ, मैं तो जो भी पढ़ाऊँ बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा. ये गारंटी नहीं है. आज हमारे टीचर को अनलर्न रीलर्न और लर्न हो करना पड़ेगा जी. हमको जो पुरानी चीजें भूल जानी होगी और नए ढंग से देखना पड़ेगा. आज हम उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जिस तरह से हमको पढ़ाया गया था. थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली और ये सुविधा है टेक्नोलॉजी,
सुविधा और भी स्कूलों में और भी टूल्स हैं, मैनेजमेंट थॉट्स हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, नए नए ढंग से लोग पढ़ाते हैं। आज हमारे टीचर को स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्ट्रीट स्मार्ट एक ऐसा शब्दावली है जो कि बताता है कि जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमने कीपैड फोन से स्मार्टफोन खरीद लिया तो क्या ये चाहत थी या रिक्वायरमेंट थी। उसी तरह हमें भी बदलना पड़ेगा। आज हम क्लासरूम के बारे में सोचते हैं तो याद आता है वही चौक, वही डस्टर और वही ब्लैक बोर्ड। क्या हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर एक नई सोच है? यस। जो आपका ई लर्निंग मॉड्यूल है क्लास में, ये भी एक नई सोच है। और टीचर क्या माइक लेके पढ़ाए या टीचर स्काइप पे ऑनलाइन पढ़ाए, ये भी, इसको भी एक हमें नया रूप लेना पड़ेगा और नए ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए टीचर्स को नए स्किल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या लगते हैं आप लोगों को कि ट्रेनिंग कार्यशालाएं जरूरी हैं ऐसे शिक्षकों के जो 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 अप्रोच दृष्टिकोण में जो देखिए 10 साल पहले जो स्टूडेंट था और आज का जो स्टूडेंट है और उसका जो पेरेंट्स है उसका एस्पिरेशन लेवल ही डिफरेंट है। सो जो टीचर जो है, जो जैसे डॉक्टर मेहरोत्रा बोला था 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको भी समझना चाहिए जो सामने जो बैठा है वो चेंज हो गया है और उसका जो पेरेंट्स है बिहाइंड दैट सीन, वो उसका भी थिंकिंग चेंज हो गया है। तो इसका जो एस्पिरेशन लेवल के साथ टीचर को भी अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? इम्प्रूवमेंट विल हैपन थ्रू वर्कशॉप्स, मोर रीडिंग मटेरियल्स, मोर ट्रेनिंग्स ओनली। इट कैनॉट हैपन फॉल फ्रॉम द स्काई इन दैट सेंस। सो टीचर को भी मेहनत करना पड़ेगा, टीचर को भी ओ स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा। बिकॉज एस्पिरेशन लेवल आज का तारीख में क्लास 5 का स्टूडेंट का जो था है और 10 साल पहले आप चले जाइए टोटली डिफरेंट है, सब बदल चुके हैं। और उसमें जो नयापन है क्या उसको सपोर्ट करने के लिए जैसे सपोर्ट मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, मैं केवल भाषा शिक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा इन जनरल, उसके लिए एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स आदि बनाए जा रहे हैं आपके आपके आपकी दृष्टि में कि स्थिति बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। आज तो हमारा सिग्नेचर होता है, हमारी आइडेंटिटी पहले होती थी, हमारी ईमेल आईडी होती थी, उसके बाद आया वेबसाइट बनाना। आज हमारे फ़ोन पे क्या ऐप हैं उससे हम जाने जाते हैं। जैसे एक ऐप के बारे में हम आपको बताएंगे, 99 वेज टू अनॉय योर टीचर्स। अच्छा है? और इसमें पहला अगर हम शुरू करें तो ये कहता है शार्पन योर पेंसिल एज ऑफन एज पॉसिबल, जिससे कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में तो उसके दिमाग में खुराफाती दिमाग में आता रहता है चीजें, कैसे हम क्या इंटरटेन करें बच्चों को आपस में, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। वो बोरिंग लेक्चर सुनते सुनते पक गए हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आज हमारे को एक नया दृष्टि से ये सोचना पड़ेगा कि हम क्लास में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एडुटेनमेंट के थ्रू कैसे बनाएं, जिसमें एजुकेशन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो। आज हमारे टीचर को क्लास में जाते ही एक रिफ्रेशिंग टोन में बोलना पड़ेगा, मलाला से ओबामा जैसी बातें करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि चलो पुस्तक निकालो अपनी, किसने काम नहीं किया खड़ा हो जाए। आज हमको बोलना पड़ेगा, हम जिस क्लास में हैं आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और हमें पूरा विश्वास है कि आप 100% हमारे सब्जेक्ट में लाओगे। ये हमें रोज रिपीट करना होगा क्लास में, क्योंकि बच्चे को सब्जेक्ट तभी अच्छा लगेगा जब उसको टीचर अच्छा लगेगा। इससे मैं बहुत सहमत हूँ। हो सकता है कभी कभी बच्चे किसी विषय को पसंद नहीं करते because of the teacher, one of the reasons. हम लोग ज्यादा स्कूल में फोकस दे रहे हैं, बट आप अगर हायर एजुकेशन में चले जाइए, आज जो बच्चे के पास जो सब्जेक्ट चॉइस है बड़े होने का और डूइंग मास्टर इट व्हाट इज अवेलेबल 15 इयर्स बैक, बहुत चेंज हो गया। तो ये तो बच्चे को भी, तो आजकल बच्चे को वो ऑप्शन मिल गया है जी भाई मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं कर। 10 साल पहले हर को इंजीनियर होना चाहिए, मैं इंडिया में, इंडिया का बात कर रहा हूँ, आइदर इंजीनियर और डॉक्टर, यही दो का मतलब था। जब अच्छा स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग करो, नहीं तो डॉक्टर बनो। आज वो नहीं है, आज सर्विस सेक्टर ओपन हो गया है, आज देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन, सो सब्जेक्ट एरियाज बहुत हो गया है। बायोटेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी पॉपुलर, इवन यू नो इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट पहले नहीं था, आज बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज बिकम अ बिग चैप्टर नाउ। सो ऑप्शंस बहुत खुल गया है, तो उस ऑप्शन से तो आपको एक यू हैव टू जज अ स्टूडेंट ना। ट्रू, बहुत अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण बातें हो रही हैं, लेकिन
हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमारा कार्यक्रम लगभग अंत तक पहुंच रहा है। मैं आप लोगों से ये सुनना चाहूँगा अंतिम, मतलब संदेश, अगर आप किसी हमारे मॉरिशस शिक्षक को, मॉरिशस के माता पिता को, मॉरिशस के बच्चे को, मॉरिशस सरकार को, या एनी स्टेक होल्डर, अगर संदेश देना है तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर मेहरोत्रा जी? देखिए साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वर्कशॉप्स में, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, और इसको पैसे पर मत लीजिए, यू विल अर्न ऑनर, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। जी, आपको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, और सबके सामने जो आप पढ़े लिखे होंगे, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज यू विल बी नोन। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न इन टर्म्स ऑफ ऑनर, रिकॉग्निशन एंड प्राइड। बहुत अच्छा। और संजय जी, आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज बोलूंगा जो वी वर डिस्कसिंग सो मच, जे डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको आई डोंट नो व्हाट स्टेज इट इज इन दिस कंट्री, बट माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। जी, students will get much more enlightened if schools or the government decides to take digital steps ahead, because this is something which you have to do today or tomorrow. Yes. So before you are forced, जो करना ही पड़ेगा उसका पहले शुरू करने से ये, that will be good. काम शुरू हो चुका है वैसे, हालांकि देर से ही, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहां पर समाप्त होता है, और हमारे साथ शिक्षा की नई चुनौतियों और उसके साथ जुड़े हुए नई टेक्नोलॉजीज पर बात करने के लिए दो अतिथिगण थे, डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा जी, आप वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट एजुकेशन इंडिया लिमिटेड से है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री संजय रॉय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपके जरिए हमारे दर्शक काफ़ी कुछ सीख पाए, और बहुत से लोग मुझे यकीन है प्रेरित होंगे आज से ही, कल सुबह से, इस सोच के साथ कि चले हम कुछ नया करेंगे अपनी क्लास में, आज पेरेंट हम कुछ नया सोचेंगे, आज स्टूडेंट हम कुछ नए ढंग से सीखेंगे। इसी के साथ सृजन यहाँ पर समाप्त होता है, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतीक्षा करें, फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।